हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नुआ भिडियो आपण मानू समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आसतु आज मैं ये कुर्तीर स्टिचिंग करवा कुर्तीर कटिंग भिडियोटा मुझ पूर्व आपण सहित सेयार कर सारी। जदि आपण मैंने भिडियोर कटिंगटा देखी ना ताले मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी, आप कटिंगटा को देखिपारे। तो देखो प्रथम आम कौन करवा मेन कपड़ा आउ अस्त्र कपड़ा दुईटा जाक ये आटाच करनवा। तो मेन कपड़ा देखिले ऊपर साइड रे मुझे कटिंग करनेली कहीं मुझे कटिंग करी जस्ट टी एक्सट्रा कटिंग करेटा कटिंग करनेली जी रहा दरकार से। देखो अस्त्र कपड़ार तल सैडटा जोटा मोर घेर सैडटा सेपट सैडटा एमती डबल फोल्ड करके स्टिच करने गली। स्टिच हो सारा पर एबे आम एमती मेन माने मेन कपड़ा रे अस्त्र कपड़ा को एमती मिडिल करके रखा। पूरा जमी चारिआड़ सामान भाव में रोथ्व गोटे पटे अधिक गोटे गोटे कम नुह, पूरा सामान भाव में रखिकी ये पिन आगे आटाच करनवा। पिन लगेदे कौन हम आमको जिते चार सैड्रे स्टिच कर जॉइंट करवा आमको सेम हिसाब से माने कम बेसी कौटी हेनी। तो ये आम सामान भाव में रखिकी देखूँ चारिआड़ मुझे पिन आटाच कर नहीं गली। जदि आपने चाहती ये पिन न लगे जदि छुंची सूतार बड़ बड़ टाका नहीं कि स्टिच करा चाहती तालोले एपट सैड भी गोटे लगे नेली। एबे लगे सारा पर आम मेन कपड़ा सहित अस्त्र कपड़ा को पूरा चार सैड सिलाई करना। तल सैडटा छाड़ी देकी जो घेर सैडटा छाड़ी देकी दी सैड आउ ऊपर पटे आम सिलाई मारनवा। देखो तो हो गला। तापर एक्सट्रा कपड़ा जति थिला मेन कपड़ा ताको आम कटिंग करके बाहर कर नहीं जिबा। आर्मोल सैड भी बाहर कर नहीं जिबा, ऊपर सैड भी बाहर कर नहीं जिबा। ये हो गला। तो गोटे पार्ट आम जमी कले सेम प्रोसेस रे आमर बैक पार्टा को भी रेडी करने जिबा। तो ये देखो फ्रंट साइड रो आर्म होलटा आम सेप देइतिले किंतु कटिंग करनथिले। तो सेइतिपई मेन कपड़ा सहित जॉइंट कर सारा पर आम एठेटा कटिंग करदवा। जदि आपण माने चाहती जो अस्त्र कपड़ा तले जॉइंट कले अस्त्र कपड़ा रे फास्ट की कटिंग कर देकी आपण एमती मेन कपड़ा सहित स्टिच करि परिबे, नले आपण एमती करिवे। तापर देखंतु एठी मु छोटो छोटो कट लगे दोची। कट काहेकी लगोजे ना आमर जो फिटिंग लाइनटा हबो जोठी आम सिलाई करबा को लाइनटा कोठी आसीबो जानिबा पई एमती छोटो छोटो दिटा कट लगे नै जेबा। तापर एठी जो आर्मोल साइड रे आम कटिंग करनेले कपड़ाटा सेठी खला रहिला। तो सेटा को जॉइंट करिया पई मेन कपड़ा और अस्त्र कपड़ा को पुणी ये मुझे सिलाई कर नौची। तापर ये नेक्र आम बक्रम मु कटिंग करुँची जोटा आम पेस्टिंग पेपर कौचे। तो तलपटू गोटे इंच मुझे छाड़देली एपटे। तापर मुझे फ्रंट नेक्र डीपटा रखा चाहिए 6 इंच। तो ये हाफ इंच एक्सट्रा नवा। बक्रम में सब आमको हाफ इंच एक्सट्रा नवा पड़े। सेमती जब बिना बक्रम करूँ ताले आपको हाफ इंच एक्सट्रा नवा दरकार ना, कि जदि आप बक्रम रे ताले हाफ इंच एक्सट्रा ने जी रेडी चाहूँबे ताथरू हाफ इंच एक्सट्रा। तापर देखो नेक्र व्विड्टा मुझे रखिली केते ना 2.75। तो ऊपर भी ये 2.75 रखिली। ये मुझे बैक साइड में डोरी लगे से मुझे नेली ना 2.75, किंतु आपण मैंने 2 इंच रु अधिक जमा भी नेबेनी। तापर ये मुझे राउंड सेप दे नेली। राउंड सेप दे सारा पर एपट देखा तल को आम गोटे इंच डिस्टेंस गोटे इंच छाड़ी ना, तो गोटे इंच डिस्टेंस एमती गोटे राउंड सेप देदेबा। तो यहाँ ये कटिंग कर नहीं। तो ऊपर पटे देखो तो मुझे एक्सट्रा कपड़ा रखी किंतु सेटा को आम कटिंग करके बाहर कर नहीं जा। देखो ये कटिंग हो गला। एबे आम एटा को कौन करवा ऊपर ऊपर कटिंग जस्ट एक्सट्रा रखी एतिक भी आम दरकार नहीं, कि सिलाई कला बेले मन रखी करवा दरकार जे आमर केतिक अच्छी। देखो ये मुझे मार्क करदे ये हूँ आम प्रॉपर मार्जिन। एतिकि जदि आम अधिक नहीं जावा ताले नेकटा पुणी आउरी बढ़ीजी। से मुझे छोट गोटे कट लगेदेली जानापी। तो यही पेस्टिंग पेपर को एमती अस्त्र कपड़ा उपरे रखिकी आम गोटे प्रेस जदि कर नहीं जावा से लगिकी रही। जदि आम प्रेस मैंने आयरन जदि न दौचे ताको आम मेसीन में डायरेक्ट सिलाई कर चार सैड। देखो ये मुझे मेसीन ये सिलाई नहीं जाऊँगी, किंतु आयरन जदि आप करके नहीं जावे सिलाई तापर जदि गोटे गोटे सिलाई पकड़े हो। जदि आप आयरन दौरान गोटे सिलाई दरकार। मुझे आयरन कर नी बोली डबल स्टिच पकई नहीं। तापर देखो एक्सट्रा कपड़ा चारिआड़ बाहर कर नेली आ छोट छोट कट लगे ये मुझे गोटे ऊपर को फोल्ड करके सिलाई करुँची। एमती है मिडिल फोल्ड कर नेली। तापर जो भितर जो एक्सट्रा कपड़ा था ताको ये मुझे काटिकी बाहर कर नहीं जी। ए भितर कपड़ा जो काटा पूरा लगे काटवानी जमीक 200-300 पाखापाखि छाड़ी आम एटा को कटिंग करवा। देखो ये हो गला। एबे ये आम कौन करवा ना इनविजिबल पाइपिंग लगेबा। पाइपिंग लगेवाई ये प्रथम सिंगल फुट ये लगे नौ डबल फुट लगे। तो सिंगल फुट ये लगे नहीं जावा जोटा कि पाइपिंगटा आम बहुत भल भाव में सिलई हम जमा भी सिलई आमर पाइपिन चढ़वन माने डोरी चढ़वन। तो ये होगा तापर देखो ये डोरीवाला पाइपिन नहीं मुझे भर सैड्रे ये रखिकी डोरीटा को रखिली भर सैड कपड़ा सैडटा रहा आम भर एपट सैड मैं खला जपटे भर पटे कटिंग रखीचे से पटे एमती रखिकी पूरा सैड सैड्रे पूरा सैड सैड माने पाइपिन उपर जमा भी सिलई जीवन पूरा सैड सैड्रे गोटे आम स्टिच आनिबा जेमी राउंड टाइप सेप अच्छी से भाया नहीं आसवा। तापर ये आम देखूँ ये जो मेन कपड़ा रहा तार भी मिडिल गोटे बाहर कर नहीं जावा आम जो ये पेस्टिंग पेपर जो करें यार भी आम मिडिल गोटे सेंटर मार्किंग ये करके आम नहीं जावा। तापर दीटा जाक जो सेंटर मार्किंग है दीटा को एमती सामान भाव में रखी नहीं जावा सामान भाव रखापी देखूँ कट कु कट मिसेक रखा देखिकी देखो ये जो मुझे रखिली देखो पेपरटा टी ऊपर को रखी कहीं मुझे कटिंग कला बेले अधिक रखी तो से ऊपर को उठे रखिली जदि भूल पूरी सामान रखीदेवे ताले नेक्र लेंथ पुणी बढ़ीज तो से देखिकी रखिए देखो ऊपर पिन लगेदेली। तापर एमती आम पूरा जमी पाइपिन उपर सिलई पकड़े से पाइपिन जोड़ी सिलई पकड़े पूरा से सैड सैड्रे गोटे सिलई आना सिलई आनला भर कपड़ा को सेमती 200-300 छाड़िकी एमती कटिंग करवा छोट छोट एमती गोटे कट आम लगे सारापर यहीटा को सीधा पछ आड़क एमती आम अल्टाई नहीं जावा अल्टाई सारापर तापर गोटे पुणी ये आम प्रेस्टिज पकई ना एवं ये सिलईटा देखिए पछपटू जमा भी जना पड़े जे आप पाइपिनटा केमी लगे यहाँ बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आसे तो ये आप चाहिए करें। तापर बैक पार्टा को मुझे नॉर्मल जमी आम फ्रंट साइडटा कले से भाया सेम प्रोसेस करें कितु बास ये कौन ना पाइपिन बैक साइड मुझे लगेनि जदि आपने चाहते बैक साइड पाइपिन लगे पारे। तापर देखो ये मुझे प्रेस्टिज गोटे नहीं जाऊँगी तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दीटा को हो सारापर एवं आम कौन करवा ना शोल्डर जॉइंट करवा शोल्डर जॉइंट भी गोटे टिप्स देखूँ आम शोल्डर जॉइंट कला बेले कौन हो आम शोल्डर जॉइंट बाहर को जना पड़ुची किंतु ये आम ये करवा जमी जना पड़े केमी ना देखो दीटा को ये रहा फ्रंट साइडटा आमना सामना अच्छी एवं उल्टा साइड देखो गोटे पट्टी को जोटा आम नेक्रे पेस्टिंग पेपर लगे सेटा को आउ गोटे साइड को एमती फोल्ड करनवा सेपट साइड को फोल्ड कलापर आमर सिलई मार्जिन जी से भाया आम ये करवा जेहेतु डीप नेक तो शोल्डर डाउन जस्ट टिके करके आमको सिलई करा पड़ो पुणी एपट साइडटा देखो से भाया आम मार्कर नवा। तापर ये जो पेस्टिंग पेपरटा यहाँ को भी पुणी तलपटू साइड को फोल्ड करके आम सिलई करवा देखो गोटे स्टिच पकई ने पुणी आ गए डबल स्टिच पकई नहीं जावा दुई साइड जाक शोल्डर मुझे जॉइंट कर सारी एवं देखो ये जो पेस्टिंग पेपरटा आम ओल्टेकी सिलई करते आम सीधा करनवा सीधा देखो ये भाव में टी करनवा कर सारापर देखिए आपंकर जना पड़ोनि जे आपंकर शोल्डरटा कौटी जॉइंट होमी भाव में स्टिचटा भितर रही जाए तो निजे कलापर गोटे थर आप आराम से जापर कौ भाया फिनिशिंग आसलई रे। तो देखो आर्मल सैड्रे आमर ये कौन हुए कपड़ा टी कम बेस होता है तो ये मुझे सेप देकी एक्सट्रा जी ये मुझे कटिंग करनेली एक्सट्रा माने नुहे जे गोटे इंच एक्सट्रा रस एमती हाफ इंच 200-300 एक्सट्रा टी रही आम सेप दे पारिबा। तापर देखो ये फ्रंट सैड्रे मुझ दी सैड्रे ये पिन लगे नौ कौनपाई ना तलपट घेर सैडटा सामान रखापी जी एक्सट्रा होमें फोल्ड करवा तो बैक सैडटा को फोल्ड कर ना तो देखो ये फ्रंट सैड हिसाब से मुझ बैक पार्ट्रे सीधारे गोटे मार्किंग करदेली जी एक्सट्रा है से मार्किंग को देखिकी आम फोल्ड करवा तो आमर मार्किंग के रखी माने फोल्डिंग गोटे इंच एक्सट्रा रखी एबे एटा को मार्किंग करके रखीदेले किंतु एबे आमे परे सेटा को फोल्ड करवा। तो देखो ये फिटिंग लाइन पे ये मुझे देखई पारिनी आम फिटिंग लाइन बास किसी ना आमर जेमिति थिला आमे मार्क करथिले कटिंग बेले जतिकी रे सेही हिसाब रे सेही लाइन रे आमे सिलई करनवा गोटे साइड रे जतिकी आमे मार्क करथिले आ गोटे साइड रे मध्ये सेम मार्क करके फिटिंग लाइन आमे सिलई नै जेबा। तो दी साइड रे फिटिंग लाइन सिलई करि सारला परे आमे कोन करबा ना देखंतु एपट साइड रे आमे साइड स्लिट सिलई करबा। तो साइड स्लिट पे आमे कोन करबा ना देखो आमने एक्सट्रा केते नै थिले 1.5 इंच नै थिले जतिकी आमर घेर रहउतला तापर 1.5 इंच एक्सट्रा नै थिले कोन आमरो ये साइड फोल्ड होगापी तो से 1.5 इंच कभर करके आमको ये सिलई करवा दरकार 1.5 इंच रु कम नुह बा 1.5 इंच रु अधिक नुह तो यही आम डबल फोल्ड करवा आउ ये गोटे गोटे पिन ये आम लगे नहीं जावा ये एमती फोल्ड करके जब आम पिन लगे नहीं जावा ताहले आमको जिते सिलई करवा बारंबार यहाँ को आमको फोल्ड करने को दरकार नहीं बस फोल्ड होकर रहा आम सैड सैड्रु पूरा फिनिशिंग भाव में सिलई करके नहीं पारिबा। तो आउ गोटे भी ध्यान देबे, गोटे साइड को जेतिकी रे फोल्ड करूछंती आउ गोटे साइड को भी सेम रे फोल्ड करिवे, नहले कोन हो ना बैक पार्ट फ्रंट पार्ट। देखंतो एटा मो बैक पार्टटा सिले माने फोल्ड करी करी नउची, तो फ्रंट साइडटा जेते बेले भी फोल्ड करिवि एटा जेमति 1.5 इंच रे मो फोल्ड करूची सेटा भी 1.5 इंच रे करिवि। एटी ऊपर साइड तो मो जस्ट के कपड़ा काहे की कटिंग कली ना काहे की ना हमर जेतेले हिप लाइन पाखरे सिलेटा से सेही जगह जस्ट के हमको एटी फोल्ड करिया को प्रॉब्लम हुई, तो सेहिते पे जस्ट माने 200 रु पाखा पाखी एमति मो कपड़ा रो कटिंग करने सेटा को चाहिए भी भितर पटे आम फोल्ड करके रखी पारि था जदि आप चाहते एमती कटिंग करेंगे। तो एपटे भी देखो ये एक्सट्रा के 200 पाखापाखी एक्सट्रा है कटिंग कर बाहर कर नहीं गली। तापर जमी आम 1.5 इंचर फोल्ड सेपट सैड्रे करे माने बैक पार्ट्रे, तो फ्रंट पार्ट सैड्रे भी आम एमती 1.5 इंचर फोल्ड करके पूरा तल पर्यंत नहीं जावा। ये फोल्ड कला बेले सबु बेले ध्यान दे करेंगे, बंका भी जमी कम बेसी हेले भी आमर यहाँ कौन हम ना जो स्ट्रेट रोचे आम सैड स्लीटा से स्ट्रेट रोनी मोड़ी हो सिले सारापर, तो से भल भाव में ध्यान दे करेंगे। एटा यही टिप्सटा हूँ बिगिनर्स मानी जो मैंने सिलई प्रम्प्ट होता करवा नक भी चलो सेटा आराम से आपंकर ठीक पलि आसे। तो देखो ये मुझे स्टिच नहीं जाऊँगी आ स्टिचटा देखुवे बहुत स्लो नौची जमा भी स्पीड करूनी, गोटे साइड मुझे स्लो रे देखदेवी आउ सेम प्रोसेस रे आपन आ गोटे साइड रे करेंगे। तो ये आउ गोटे आम टिप्स देखा कौन ना आम साइड स्लीटा देखिए पिंधिला कौन हुए ना बाय चांस केते कौन हुए साइडटा फाटी जाए, तो से आम कौन करवा ये गोटे मु स्ट्रिप नहीं कपड़ा ए स्ट्रिपटा को एमती डबल फोल्ड एमती करने जाओ मझिरू गोटे फोल्ड करना एमती करके आम जो साइड स्लिट 1.5 इंच आम फोल्ड करे ना तो से जगार यहाँ को आम एमती भितर को भर्ती करके रखा सेमती भितर होकर पुणी ऊपर आड़ को फोल्ड करके गोटे सिले नहीं आसवा। तो सही पुणी आम सिले कौन करवा निडिल सेमती भितर रहिबो कपड़ा को एमती बुले नहीं जावा, से जो आम स्ट्रिपटा लगे से स्ट्रिप ऊपर आमर सिलेट आसो। तो ता पूर्वर आम जेतिक आम एपट सैड्रे भी भितर को फोल्ड होगापी कपड़ा दरकार से रखिदे आम कटिंग करने फोल्ड करदे। देखो एवं सीधार सिले नहीं आसिले, सीधार सिले हैला परे पुणी निडिल भितर रहिला एमती बुले नवा कपड़ा को पुणी आमर आसो सीधारे पूरा तल को सिले। तो देखो ये आम गोटे साइड जमी कले सेम प्रोसेस रे आउ गोटे साइड भी आम साइड स्लिट को भल भाव में तैयारी करने जावा। तो गोटे साइड स्टिच पड़गला आउ गोटे भी ये आम स्टिच पड़ो साइड जो सिलेटा पकड़े से भल भाव में बसिक रहा आउ गोटे स्टिच दरकार सेटा केमती पकईवा ना। देखो ये तो होगला, ये हो सारापर आम बाहर साइड पटे जो बाहर साइड पटे रहा देखो एपट सैडा एपट सैड्रु धरवा पुणी पूरा साइड सैड्रे पूरा सेम सीधा मार्जिनटा पूरा सीधा ने सिलई को सब चेष्टा करेंगे सीधार ही जमी जीव। तो यही देखो पूरा कण जो आसला से जगह निडल को एमती भितर रखा कपड़ा को बुले नहीं जावा बुले की पुणी आमर सैड सैड पुणी तल पर्यंत सिलई आसो। शेष पर्यंत सेमती सिलई नहीं आसिले गोटे साइड तो जमी है आ गोटे साइड मुझे रेडी कर सारी एवं देखिपे आम साइड स्लीटा कौ भाई सिलई हो। तो एवं तल साइडटा को फोल्ड करने जावा जो 1.5 इंच आम मार्जिन था तो 1.5 इंच आम एमती फोल्ड करके सीधार सिलई नहीं जावा। ये ड्रेस फिटिंग मारियाटा मोबाइल में सूट हो पारे तो से मुझ समस्त को सॉरी कहना चाहूँगी। तो फिटिंग मारिया किसी प्रॉब्लम नहीं जमी आमर फिटिंग लाइन माने कटिंग कला बेले फिटिंग लाइन जमी मार्क करते से हिसाब से मार्क करके आम स्टिच करने जावा। ये ड्रेस स्लीव्सटा कपड़ा बहुत छोटा था तो ताकू बड़ करने मेन कपड़ा को यूज करके मुझे डिफरेन्ट लुक देती। जदि आप चाहते हैं ये स्लीव्स कटिंग और स्टिचिंग देखा ताहले मते कमेंट कले मुझे निश्चित यार भिड आनबी। आज भिडियो मुझे शेष करुँची, पुणी देखा नुआ भिडियो। जय जगन्नाथ।